चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल बॉलीवुड के पर्दे पर धमाल मचाने के बाद अब सियासी पिच पर भी अपने किस्मत आजमाने को बिल्कुल तैयार हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में सनी देओल ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी मुख्यालय में इस दौरान रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल जैसे कई नेता मौजूद रहे। पीयूष गोयल ने सनी देओल को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बताया जा रहा है कि पंजाब के गुरदासपुर सीट से वह लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि दिन पहले ही बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह से सनी देओल की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद यह जोड़ पकड़ लिया था कि सनी देओल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सनी देओल के बीजेपी ज्वाइन होते ही बॉलीवुड से सभी लोग उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह ने भी सनी देओल को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिया है, जिसके बाद यह ट्वीट इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि 2017 में भी सुपरस्टार पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, जिसके बाद वह बीजेपी के चुनाव प्रचार करते हुए जोर शोर से नजर आते हैं और उनकी रैलियों को जमकर प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। अब सनी देओल भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, तब उन्होंने सनी देओल को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिया है। अब देखना यह है कि सनी देओल की पॉपुलैरिटी का फायदा क्या बीजेपी को हो पाएगा, या तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन अभी कंफर्म करना यह होगा कि क्या वो पंजाब से गुरदासपुर के सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके बारे में ऑफिशियली खबर कब आएगी, इसका हमें थोड़ा वेट करना होगा।